कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में 10 सितंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। ठीक है, कितने जिले हैं? 33 जिले। तो इस नवीनतम 33 जिलों को हम मैप के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, कौन सा जिला किस जिले से बना है, उसका मातृ जिला कौन है और किस जिलों को वह टच करता है, ठीक है, उसे हम सब अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो पहले देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन या मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 15 अगस्त 2021 को 4 नवीन जिला निर्माण की घोषणा की गई थी। कब किया गया था? 15 अगस्त 2021 को 4 नवीन जिला निर्माण की घोषणा की गई थी। और अगर वर्तमान में अभी देखें, 10 सितंबर तक देखें, तो वर्तमान में 33 जिला अभी अस्तित्व में हैं। ठीक है, और अगर ऐसे देखें ना, तो सितंबर माह में 2022 में ही टोटल 5 जिलों का गठन किया गया है। ठीक, 5 जिलों का गठन किया गया है। एक हम छोड़ दें खैरागढ़ जिला को, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था, अगर खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ था, ठीक है, उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, ठीक, तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी की विधायक कौन, यशोदा वर्मा जी जीत कर आई हैं। तो भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, यदि वे खैरागढ़ उपचुनाव से कांग्रेस की पार्टी जीतती है तो वहाँ खैरागढ़ को एक नया जिला बनाया जाएगा। और जैसा कि चुनाव का परिणाम आया, उसके 3 घंटे के भीतर ही खैरागढ़ जिले की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और बाकी अन्य जिलों की घोषणा कब किया गया था? 15 अगस्त 2021 में 4 जिलों की घोषणा। ठीक, अब अगर हम सितंबर में देखें, तो सितंबर में ही टोटल 5 जिलों का गठन किया गया है। ठीक है, सितंबर माह में ही टोटल 5 जिलों का गठन कर दिया गया। अब वो कौन कौन से 5 जिले हैं देखते हैं। देखो, अब पहले हमने देखा था 28 जिले, आपने सर से पढ़ा होगा, 28 जिलों का मैप वाइज पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो आप मैप वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ के क्लासेस पूरे डिटेल में बताया गया है, मैपिंग बताया गया है। ठीक है, तो 28 जिलों का मैपिंग सर द्वारा पहले बताया गया है, अब 28 से आगे हम उसमें 5 जिले और ऐड करेंगे। ठीक, तो देखिए 28वां जिला कौन था? जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, वो कब अस्तित्व में आया था? 2 फरवरी 2021 को। अब जीपीएम के बाद वो कब आया था? 10 फरवरी 2020 में, सॉरी 20 है ये। ठीक, 10 फरवरी, ये 10 लिखा गया क्या, सॉरी 10 फरवरी 2020। ठीक, ये आया था। इसके बाद 29, ये 28वां नंबर का जिला था। ठीक है, अब 29वां नंबर का जिला बना है कौन सा? मानपुर मोहेला अंबागढ़ चौकी। ये कब बना है? 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, 29वां, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, ये हम जिले लाइन से देखते हैं। तो 29वां जिला बना है 2 सितंबर 2022 को, कौन सा? मानपुर मोहेला अंबागढ़ चौकी। ठीक, 30वां जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, कौन सा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। और 31वां खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, कब बनाई है? 3 सितंबर को। ठीक है, ये 2 सितंबर को, अगले दिन नेक्स्ट डे ही कौन सा जिला बना? गठित हो गया। ठीक है, देखो घोषणा का भी और किया गया था, गठन इस तिथि में हुआ। ठीक है, गठन की तिथि है ये। ठीक, 2 सितंबर को मानपुर मोहेला अंबागढ़, 3 को अगले ही दिन 30वां और 31वां। ठीक है,
ये बना सारंगढ़ विलायगढ़, खैरागढ़ छुईकदन गंडई। अब देखिए 32वां 33वां ये दोनों बना 9 सितंबर को, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और एक है शक्ति, ठीक। तो 2 सितंबर वाला अकेला है, ठीक, 2 सितंबर को एक जिला बना, 3 सितंबर को दो और 9 सितंबर को दो जिले का गठन किया गया, ठीक है। इस प्रकार टोटल 5 जिलों का गठन किया गया है, ठीक। अब हम इसे मैप वाइज देखते हैं कि किस प्रकार इस जिले का गठन किया गया है, ठीक है। देखिए मैपिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका संभाग गठित करेंगे। क्या करेंगे, संभाग का गठन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, तो ये हम एक लाइन यहाँ खींचे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, एक लाइन यहाँ खींचे, एक यहाँ, उसे तीन आपको, सॉरी चार, ये चौथा लाइन, ठीक है, चार लाइनों में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। यहीं से हम अलग अलग संभाग के जिलों का गठन करेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग के बारे में, ठीक। तो बस्तर संभाग के लिए सबसे पहले आप यहाँ से ऐसा लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये खींचा, फिर ये ऐसा एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, ठीक है, ये एक बॉक्स बना। अब यहाँ से दो लाइन खींचना, एक इधर ये वाला लाइन, ठीक है, एक ये नीचे इस बॉक्स को छूते हुए, फिर एक है यहाँ से और एक यहाँ वाला, ठीक। ये हुआ हमारा बस्तर संभाग का गठन, ठीक है। कैसे हुआ, बॉक्स बनाए फिर ये लाइन खींचे, सॉरी बॉक्स बनाए फिर ये लाइन खींचना है, यहाँ से ये लाइन, ये, ठीक। ऐसा हुआ ये बस्तर संभाग का, ठीक है। ये कौन सा जिला है, ये है कांकेर, कांकेर, ये है कोंडागांव, ये है नारायणपुर, ये है बीजापुर, ये है बस्तर संभाग का मुख्यालय, ये है सुकमा और बीच वाला है दंतेवाड़ा, ठीक। ये हम आगे मैप में देखेंगे, ये आपको बस ड्राइंग बताया जा रहा है मैप का, ठीक। ये तो यहाँ तो इस संभाग में, बस्तर संभाग में कोई चेंजेस हुआ नहीं था, ठीक। चेंजेस कहाँ हुआ है, दुर्ग संभाग में, बिलासपुर में और सरगुजा संभाग में, ठीक। तो ये देखते हैं अब दुर्ग संभाग का, ठीक है। तो हम दुर्ग संभाग का गठन करेंगे, तो ये ऐसा लाइन खींचा हुआ है, यहाँ एक और लाइन खींचिए सेम टू सेम, ये ऊपर यहाँ एक बॉक्स बनाइए, ये कौन सा जिला हुआ, कवर्धा, ठीक है। उस बॉक्स के नीचे वाले लाइन से एक बॉक्स यहाँ बनाइए, एक यहाँ, ठीक है। ये तीन भाग में इसे बांट दिए, ये कवर्धा है, ये हुआ बेमेतरा, ये जो हुआ बेमेतरा है, क्या है बेमेतरा, ये है दुर्ग और ये है बालोद, ये क्या है बालोद, ठीक। अब ये जो बचा, ये जो क्षेत्र है वो है राजनांदगांव, ठीक। ये जो क्षेत्र है वो क्या है, राजनांदगांव, ठीक है। तो अब जैसे दुर्ग का हाल हुआ था ना, दुर्ग जिले की गठन कब की गई थी, 1906 में, ठीक। फिर 2012 में बालोद और बेमेतरा जिला उससे काट कर बनाया गया था, ठीक। अब देखिए राजनांदगांव जिला, इसका गठन कब हुआ था, 1973 में, कब हुआ था, 1973 में, ठीक। अब इसे काट कर अभी 2022 में दो जिले बनाए गए हैं, जैसे कि दुर्ग को बनाया गया था दो जिला, वैसे ही राजनांदगांव से काट कर दो जिला बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका कटिंग देखिए, यहाँ से एक लाइन काट दीजिए, यहाँ एक लाइन काट दीजिए, ठीक। तो ये ऊपर वाला, ये तो हुआ कवर्धा था हमारा सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ये हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है वह है खैरागढ़ छुईखदान और गंडई, कौन सा जिला है, खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिला, ठीक। ये हुआ, ये बीच वाला है राजनांदगांव, जैसा कि दुर्ग है, दुर्ग को काटे थे वो भी बीच में था ना, तो यहाँ राजनांदगांव को काटे वो भी बीच में है राजनांदगांव। अब नीचे नीचे कट कर दिए, ये क्या हुआ, मोहेला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी, ठीक, मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। तो ये दुर्ग संभाग में हुए, टोटल कितने जिले हो गए, तो देखिए दुर्ग है एक, बालोद बेमेतरा बालोद दो, तीन कवर्धा चार, खैरागढ़ पाँच, राजनांदगांव छः और मोहेला मानपुर सात, ठीक। इस प्रकार दुर्ग संभाग में अब कितने जिले हो गए, 7 जिले, ठीक है। अब देखिए रायपुर संभाग, रायपुर संभाग के लिए यहाँ से देखिए बेमेतरा से ऐसे ये लाइन खींचिए, ठीक, ये हुआ बलौदाबाजार, दुर्ग से ऐसे लेके फिर एक लाइन खींच दीजिए, ये हुआ रायपुर। अब देखिए यहाँ से ये धमतरी, ये महासमुंद, ये वाला जो क्षेत्र है महासमुंद, और ये जो हुआ ये गरियाबंद, ठीक, ऐसा था। अब देखिए बिलासपुर संभाग में ना एक नए जिले का गठन किया गया है, कौन सा, सारंगढ़ और बिलाईगढ़।
तो वो जिले का गठन ना ये जो है ये जो बलौदा बाजार क्षेत्र है और यहाँ जो रायगढ़ क्षेत्र है इन दोनों को मिलाकर किया गया। तो कुछ हिस्सा इसका लिया गया है, कुछ हिस्सा रायगढ़ का लिया गया। ठीक, अब बिलासपुर संभाग देखते हैं। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिले अगर देखें ना तो बिलासपुर संभाग में ही है। ठीक, अब बिलासपुर संभाग को ध्यान से देखना, उसका जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट करना एक लाइन, ये बलौदा बाजार में ला के मिलाना, फिर एक लाइन फिर बलौदा बाजार में आके मिला। ठीक है, ये हुआ दो लाइन हुआ। ठीक, अब यहाँ एक ये हुआ, ये एक लाइन बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, फिर यहाँ एक छोटा बॉक्स बनाया जैसा कि हम नीचे बनाए थे। ठीक है, ये हुआ। अब ये एक लाइन बना दिए। ठीक है, और बनाया है यहाँ इस बॉक्स के बगल में एक और लाइन खींच दीजिए। ठीक, तो ये जैसा हम नीचे बस्तर में किए थे बस वैसा ही एक लाइन यहाँ से लाना है बलौदा बाजार से मिलाते हुए, एक दूसरा लाइन यहाँ से, फिर तीसरा लाइन ऐसा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कौन कौन सा, ये है मुंगेली जिला, मुंगेली ये है। अब देखिए ये जो जिला है यहाँ से एक जिला और बना है, ये है गोरेला पिंडरा मरवाही, ये है बिलासपुर, बिलासपुर जिला। ठीक, ये है कोरबा, कौन सा है कोरबा। ठीक है, ये जो बीच में जो बॉक्स दिख रहे हैं ना वो कौन सा जिला है, सक्ती, कौन सा जिला है सक्ती, सक्ती जिला। ठीक है, ठीक, कौन सा जिला हुआ वो सक्ती जिला हो गया। ये हमारा मैप थोड़ा सा बिगड़ गया या आगे पीछे हो गया, हिल गया तो। ठीक है, वो कौन सा जिला हो गया सक्ती जिला। ठीक, और ये बीच वाला सक्ती हो गया, इसके बगल वाला ये नीचे वाला हो गया जांजगीर चांपा, ये हुआ अपना रायगढ़, और ये नीचे वाला जो हुआ सारंगढ़। तो ये जो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जो जिला है वो बलौदाबाजार इसे इस क्षेत्र को और रायगढ़ इस क्षेत्र को काटकर बनाया गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल 8 जिला, कहाँ बिलासपुर संभाग में। ठीक है, टोटल 8 जिले, मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़ और रायगढ़। ठीक है, ठीक, तो ये हुआ। अब देखते हैं ऊपर का जो हम सरगुजा संभाग का, इसका मैपिंग देखते हैं। देखो ये ऊपर लाइन ये खींचा हुआ था। ठीक, अब ये नीचे होगा आपका ये कोरबा को बेस मानना। ठीक है, ये कोरबा को बेस मानना, तो यहाँ से एक लाइन लाना, यहाँ एक लाइन लाना है। देखिए यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन लाना है। ठीक है, कोरबा को बेस मान के, ये कोरबा है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ एक लाइन। ठीक, अब ऊपर एक और नीचे एक। ठीक, ये हुआ हमारा सरगुजा संभाग। अब देखिए यहाँ पे नए जिले का गठन हुआ है, कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक, तो उस जिले का गठन कोरिया जिले को, ये कोरिया जिला है उसे काट कर किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा इस प्रकार आप काट दीजिए। ठीक, ये जो छोटा सा जो बना है ये जिला बना है, ये बना है, ये है अपना कोरिया। ठीक, और ये जो बचा ये वाला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये नवीन जिला बना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कितने जिले हो गए सरगुजा संभाग में, तो ये हुआ मनेंद्रगढ़, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये है सरगुजा और ये है जसपुर। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले बने। ठीक है, 6 जिले, तो ये हमने संभाग वाइज देखा। अब इसका आप मैप देख सकते हैं। देखें 33 जिला वाइज जो मैप है, एक बार आप पूरा फुल देख लीजिए, फुल इमेज देख लीजिए। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको मैप बनाना सिखाया बस उसी तरह इसे भी बनाया गया है। ठीक है, वैसे ही कटिंग करके। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाले जगह पे, तो हमने क्या है, हमने बॉक्स वाइज सिर्फ हमें टच याद रखने के लिए, जिलों का जो है बॉर्डर याद रखने के लिए ऐसे डिब्बे वाइज बॉक्स वाइज ऐसा मैप बनाया है। तो यहाँ पे जो है ना, जो हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किए थे ऐसा इस प्रकार, तो ये जो बलौदा बाजार क्षेत्र है और रायगढ़ क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था ना सारंगढ़, इसलिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा ऐसा करके चेंजेस किया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, बाकी सब जैसा हमने मैप डिज़ाइन किया था वही है। तो देख लीजिए
एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। तो बस्तर संभाग तो सेम है, पहले देखते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में ऊपर बेमेतरा, दुर्ग बालोद है, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और ये है राजनांदगांव, ठीक है। फिर देखे हैं रायपुर संभाग में तो सेम ही है। बिलासपुर संभाग देखते हैं जहाँ 8 जिले गठित हुए हैं। पहला है मुंगेली है, गोरेला, पिंडर, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, साथ ही सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती और रायगढ़, ठीक है। इस प्रकार टोटल 8 जिले हैं, ठीक। और ऊपर देखेंगे सरगुजा संभाग में तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा तो कैसे याद रखना, सर ने शायद पढ़ाया भी है 28 जिलों में, तो ऊपर सर है, सर उसके नीचे कौन, सर के नीचे क्या होता है, मुँह, ठीक है। मुँह से क्या होता है, बोलते हैं, तो क्या हो गया, बोलना से बिलासपुर संभाग याद रखना। तो सरगुजा ऊपर सर रहता है तो सरगुजा संभाग, बीच में उसके नीचे मुँह रहता है तो बोलते हैं तो बिलासपुर संभाग, ठीक है। फिर यहाँ दो भाग बांटे, तो ये दुर्ग और रायपुर, ये इधर उधर दुर्ग, इधर रायपुर, ठीक है। और नीचे क्या है, बस्तर, बिस्तर में सोते हैं तो बस्तर संभाग, ठीक है, ये नीचे वाला बस्तर संभाग, ठीक। अब देखते हैं ये कितने कितने जिलों को छूता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा, हम बलरामपुर, बलरामपुर से ऐसे यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे, यू बनाएंगे और क्या होगा वो यूपी, ठीक है, यू बनाएंगे तो वो क्या होगा यूपी, ये याद रखना। देखो यहाँ से ऐसे यू बनाए तो यहाँ से बलरामपुर एक जिले या एक राज्य को छूता है, वो है यूपी, ठीक। फिर जसपुर, जसपुर को यहाँ से कट कर दिए, ये है झारखंड जिला, ठीक है, झारखंड जिला, सॉरी झारखंड जो है राज्य वो 2 जिले को छूता है, बलरामपुर और जसपुर को, ठीक। तो ऊपर हम यू बनाए थे तो नीचे भी देख लेते हैं उसे, नीचे हम ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नीचे ए, तो नीचे ए बनाएंगे तो ये होगा आंध्र प्रदेश, कहाँ से, सुकमा में, सुकमा में ए बनाएंगे और बलरामपुर में यू बनाएंगे तो वो यूपी को छूता है, यहाँ पे ए बना रहे हैं तो ये एपी मतलब आंध्र प्रदेश को छूता है, ठीक। अब यहाँ से नीचे बीजापुर, बीजापुर तक होगा तेलंगाना, ठीक है, ये वाला जो राज्य है तेलंगाना होगा जो 2 जिले को छू रहा है, ठीक है, सुकमा और बीजापुर को, ठीक। फिर ऊपर देखेंगे तेलंगाना से ऊपर बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं इसे, तो वो 5 जिले को छूता है, वो है महाराष्ट्र जिला, ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहिला, मानपुर, ठीक है। यहाँ से हम बीजापुर से काट रहे हैं और यहाँ राजनांदगांव से बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ बीजापुर से, यहाँ राजनांदगांव से, ठीक। राजनांदगांव से महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए राजनांदगांव से पूरा बलरामपुर तक कौन सा है, एमपी बॉर्डर, ठीक है, एमपी का बॉर्डर है जो टोटल 9 जिलों को छूता है, ठीक है। हमारा मातृ राज्य है एमपी और हमारे जो सर्वाधिक जो जिले हैं 9 जिले एमपी को छूते हैं और सर्वाधिक 9 जिले सेम यहाँ उड़ीसा को भी छूते हैं, ठीक है। तो 9 जिले कौन कौन से हैं, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा या कबीरधाम, मुंगेली, जीपीएम, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। इस प्रकार टोटल 9 जिले छूते हैं, ठीक। और अगर उड़ीसा से देखें तो जसपुर से काट रहे हैं, कहाँ पे, सुकमा में, सुकमा में ए बना देंगे तो वो तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये जसपुर से बना रहे हैं बॉर्डर, तो यहाँ भी टोटल 9 जिले टच कर रहे हैं, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव और यहाँ पे छोटा सा धमतरी, धमतरी भी टच कर रहा है, बस्तर और सुकमा, ठीक है। इस प्रकार 9 जिले एमपी और उड़ीसा को टच करते हैं, ठीक। यहाँ आपको एक बार और मैं नोटिस देना चाहूँगी कि अगर आप जो छत्तीसगढ़ का है संपूर्ण जिला अध्ययन करना चाहते हैं, 33 जिलों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरा मैप वाइज सभी जिलों का, ठीक है, पूरे डिटेल कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक। वहाँ आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको अपडेशन दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ वीडियोस यूट्यूब में शायद अवेलेबल होंगे कुछ, और बाकी सारे पेड कोर्सेज हैं वहाँ पे होंगे, ठीक है। आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं। और दूसरा टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के व्यापम पीएससी के आप टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड ज़रूर करिएगा, ओके। अब देखते हैं कुछ और जो पॉइंट्स हैं। अब देखिए सितंबर 2022 की स्थिति में सीमावर्ती जिलों की संख्या
हमारे यहाँ कितने ज़िले हो गए हैं? 33 ज़िले, ठीक है। अभी कितने ज़िले हो गए हैं? कुल 33 ज़िले हो गए हैं। 33 ज़िलों में से टोटल 22 ज़िले, 22 ज़िले क्या है? सीमावर्ती है, मतलब सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। अभी जो हमने ज़िला काउंट किया था, टोटल 22 ज़िले सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। हमने देखा सभी ज़िले जो बॉर्डर से लगे हुए हैं कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं, ठीक। और लैंडलॉक्ड ज़िले कितने हैं? तो 22 में 33 में 22 घटा दो तो बचे कितने? 11। 11 ज़िले लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड क्या होता है? जो भू आवेष्टित होता है, मतलब भूमि से घिरे हुए हैं, ठीक है। भूमि से घिरे हुए हैं, किसी अन्य राज्य को नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है। जो अपने छत्तीसगढ़ के ज़िलों से ही घिरे हुए हैं, ठीक, उसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं। मतलब सिर्फ हमने छत्तीसगढ़ के ही टच करता है, छत्तीसगढ़ के ज़िलों को टच करता है, अन्य दूसरे राज्य को टच नहीं करता, ठीक है। वैसे कितना ज़िले हैं? 11 ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों को टच नहीं करता, ठीक है। उसे लैंडलॉक्ड या भू आवेष्टित ज़िला कहा जाता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, संभाग वाइज देख लेते हैं। देखो ऊपर से शुरू करेंगे तो यहाँ कौन सा ज़िला लैंडलॉक्ड है आपको दिख रहा है? सरगुजा, ये ज़िला है लैंडलॉक्ड, ठीक है। सरगुजा मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के ज़िलों को टच कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग में दो ज़िले हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, कौन कौन सा? तीन ज़िले हैं, देखिए बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा और सकती, चार हो गए, ठीक है, नया बना है ना। कौन कौन से हो गए? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और सकती, ये चार ज़िले हो गए, ठीक, पांच हो गए टोटल लैंडलॉक। अब देखिए 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया। और एक है अपना लैंडलॉक दंतेवाड़ा, नीचे है 11वां, ठीक है, ठीक। तो ये समझ आ गया। देखो यहाँ पे एक है, बस्तर संभाग में एक, दुर्ग संभाग में तीन, रायपुर में दो, बिलासपुर में चार और सरगुजा में एक, ऊपर नीचे एक एक है, ठीक। बीच में बिलासपुर वाले में चार है, दुर्ग में तीन है, रायपुर में दो है, ठीक है, लैंडलॉक ज़िलों की संख्या, ठीक है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला अगर पूछा तो कोरबा है, ठीक। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला गौरेला पेंड्रा मरवाह ही है। पहले सर्वाधिक राजनांदगांव हुआ करता था, बट अब तो उसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और न्यूनतम दुर्ग हुआ करता था, अब उससे भी छोटा हो गया है, GPM हो गया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक। अब अगर आप इस मैप के हिसाब से बोलोगे कि मैम इसका तो कितना बड़ा दिख रहा है मैप में, तो हमने सिर्फ आपको जिलों की बॉर्डर याद कराने के लिए ऐसा मैप बनाया है, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो साइज़ है ना वो छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल छोटा है। सर्वाधिक जिला स्पर्श करने वाला राज्य है उड़ीसा और MP, हमने अभी देखा 9-9 ज़िले को टच करता है। न्यूनतम जिला स्पर्श करने वाला राज्य है UP और AP, आंध्र प्रदेश, जो एक एक ज़िला, ठीक है, UP बलरामपुर को, आंध्र प्रदेश सुकमा को टच करता है। सर्वाधिक जिले वाला संभाग है बिलासपुर संभाग, टोटल 8 ज़िले हैं वहाँ, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम अभी जो नए ज़िले गठित हुए हैं, कौन सा? 29, 30, 31, 32, 33, ये एक एक ज़िले को हम डील करेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्री। हमारे लोगों सब एक रहे और राज्य सरकार हमने सफल हुए। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थापना, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियाँ छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित थी। सरकारी नौकरी करना चाहा था तो गूगल पे तो गोविंद साहू अपना डाउनलोड करो और आपसे अपन तैयारी चालू रखो। आओ, अगर बन गए। Thank you.